जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में योग के बारे में अत्यंत विस्तार से चर्चा हुई और अष्टांग योग में जो यम और नियम होते हैं उस पर भी भगवान का कटाक्ष रहा। छठे अध्याय में जिसका नाम ही है आत्म संयम योग, उसमें मन के संयम की अनेक विधा बताई गई। यम का मतलब ही संयम होता है और संयम से ही यम का आरंभ होता है। अष्टांग योग का यह आरंभ, भगवान कहते हैं कि किसी भी चीज में यदि आप मन एकाग्र कर लेते हैं तो यश का मार्ग प्रशस्त होते चलता है। यहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या करना चाहिए? यशस्विता के लिए शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्धि को धृति यानी धैर्य पूर्वक बुद्धि रखकर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, हमारा जो मन है उसको निग्रही बनाना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं, न किंचिदपि चिन्तयेत्, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान ना भटके, इधर उधर का कोई चिंतन हमारे मन में ना आए। ऐसा जब हो जाता है तब निश्चित ही हमारा मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र मन से जो भी काम किया जाता है वो सुंदर ही होता है। एक बड़ी सुंदर कहानी हमारे इतिहास में आती है। एक पाणिनी नाम का बच्चा था। इस बच्चे को सब लोग मंदबुद्धि कहते थे, उसको कोई बात समझ में नहीं आती थी। उसकी मां बड़ी परेशान थी, क्या करे, इस बच्चे का कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी ने कहा कि इसको गुरुकुल में ले जाओ, वहां के गुरुजी से इसे मिलाओ, हो सकता है कुछ कृपा हो जाएगी। परेशान मां अपने बच्चे को लेकर गुरुकुल में पहुंची, वहां के गुरुजी से मिलाया। गुरुजी ने कुछ प्रश्न पूछे, पाणिनि एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। गुरुजी कहने लगे, बड़ा जड़ बुद्धि है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या सिखाऊंगा इसे। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा हाथ दिखाओ। गुरुजी ने हाथ की रेखाएं देखी और गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ पर तो रेखाएं ही नहीं है, खास करके विद्या ग्रहण की जो रेखा होती है हाथ पर, वो रेखा नहीं है तुम्हारे हाथ पर, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। पाणिनि को बहुत बुरा लगा। जब गुरुजी ने मना कर दिया तो मां पाणिनि को लेकर फिर घर पहुंची। पाणिनि को एक काम दिया गया था, रोज कुएं पर जाकर पानी भरकर लाना। सुबह दोपहर शाम कुएं पर जाकर पानी भरने का काम ये पाणिनि करता रहा। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चलती रही कि गुरुजी ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरे हाथ पर वो रेखा नहीं। किसी से उसने जाना कि ये रेखा होती कहां है। उसको बड़ा बुरा लगता था कि मेरे हाथ पर विद्या की रेखा नहीं। जब पानी खींचता रहता था रस्सी से तब उसके मन में आता था कि मेरे हाथ पर ये रेखा कैसी आ सकती है। और जब उसने एक दिन देखा कि जिस रस्सी से पानी खींचा जा रहा है वो रस्सी आते जाते वहां पर जो पत्थर था उस पत्थर को भी लकीर बना गई थी। पाणिनि ने बड़े आश्चर्य के साथ उस बात को देखा और पाणिनि कहने लगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये रस्सी ऊपर नीचे होती है और शिला पर उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो मेरे हाथ पर क्यों नहीं निशान पड़ सकता, मेरे हाथ पर यह लकीर क्यों नहीं आ सकती। उसने वहां का एक पत्थर उठाया और अपने हाथ पर चीरते हुए वो लकीर बना ली और फिर उस आश्रम में जाकर गुरुजी से कहने लगा कि देखिए गुरुजी, मेरे हाथ पर लकीर है, मैं भी सीख सकता हूं, मेरे ऊपर कृपा करे, मैं बहुत मन लगाऊंगा, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ने जब पाणिनि का यह निश्चय देखा तो गुरुजी ने पढ़ाना आरंभ किया और बड़े एकाग्र मन से पाणिनि ने पहला पाठ सीखा
और रात भर प्रयास करके अगले दिन गुरुजी को वो पाठ पढ़कर दिखाया। यही पाणिनि बड़ा होकर व्याकरणाचार्य बना और आज भी संस्कृत भाषा का व्याकरण पाणिनि की किताब से समझा जाता है। इतने बड़े व्याकरणाचार्य पाणिनि स्वयं बने। किसी काम में यदि मन लगा दिया, मन के साथ दृढ़ निश्चय कर लिया, बुद्धि को धैर्यवान बना लिया, तो कोई भी काम असंभव नहीं। आप चाहे कलाकार हो, आप चाहे संगीतकार हो, आप चाहे गृहिणी हो या विद्यार्थी हो, आप चाहे व्यावसायिक हो या फिर समाज सेवी हो, दृढ़ निश्चय के साथ में, बुद्धि को बड़े धैर्य के साथ में और मन को एकाग्र करके बाकी सारे विषयों का चिंतन जब बंद कर देते हैं तो यशस्विता की ओर आप अग्रसर होते जाते हैं। आइए इसी मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जय श्री कृष्ण।